लगा आज पहली बार मुझको अपना घर अच्छा लगा। तो मैं सबसे पहले राजा सरफराज जी को दिल की अमित तरीन गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। पिछड़े हुए पान से निकाल के थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश की है, दुनिया के नक्शे पर लाने की कोशिश की है, जिसमें आपका सबसे बड़ा सहयोग रहा। पूरे भलेसा की जानिब से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो भलेसा के लोगों की बहुत देरी ना मांग है टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी की, उस पर भी आप थोड़ा सा अपना होमवर्क करके हमारी इस भले लोगों की डिमांड को आप जो है वो पूरा करेंगे। मैं मोहतरम एसएसपी साहब का अपने एसपी साहब का और अपने डिप्टी डायरेक्टर टूरिज्म थापा साहब का, पवन सर का, जफर साहब का, मुबशर साहब का, जितने भी हमारे बीच में आज तशरीफ रखे, आपका फर्दन सबका राजा सरफराज जी की और इनकी पूरी अदा करता हूँ। इस उम्मीद के साथ इस कि ये जो यूथ ने शुरुआत की है, क्योंकि यूथ जो है वो बड़ा क्रिएटिव है, और अगर भले इसके यूथ की मैं बात करूँगा तो मैं यूँ कहूँगा कि ना हुआ ना उम्मीद इकबाल अपनी इस कश्ते वीरा से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी, तो बहुत जरखेज मिट्टी है। राजा सरफराज ने प्रेजेंट करें, मोहतरम जफर साहब रिटायर्ड रेंज ऑफिसर फ्रॉम भलेसा। मैं मोहतरम मुबशर आज़ाद साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने हाथों से एक मोमेंटो प्रेजेंट करें, बाकी ताली बजाएं जरूर। रेडियो मिर्ची ने जिनको सारी दुनिया सुनती और जानती है, रेडियो मिर्ची से है, मैं इनसे गुजारिश करूंगा मोहतरम पवन जी को अपने हाथों से एक मोमेंटो प्रेजेंट करें। ये सिंगर है सर, सुनैना मैडम जी के हाथों जो है जिन्होंने ये गाया है, अपनी खूबसूरत आवाज दी है, बहुत मशहूर है। जनाब इसके बाद अपने जो मीडिया के कर्मी हैं यहाँ जेके दास्तान से हैं या अपने न्यूज़ शहर से हैं या बाकी चैनलों से यहाँ आए हैं, मैं पूरे भलेसवासियों की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आपने ही उस भलेस की संगलाक पहाड़ियों से निकाल के इसको पूरी आवाज़ और दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाना है, लिहाजा मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक दूसरे से यहाँ मिल पा रहे हैं, एक दूसरे के साथ तारुफ हो रहा है और भलेसा को एक नई जिला बख्शी जा रही है। मैं गुजारिश करूंगा मैडम से और अपने एसएसपी साहब से कि अपने हाथों से राजा सरफराज जी को मोमेंटो से और जिन्होंने ये पूरी सजाई
मोहतरम आमिर जी, जोरदार तालियां तालियां। मैं डिप्टी डायरेक्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि अपने हाथों से इनको नवाज दें। एक बार फिर सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक बहुत ही खुशनुमा घड़ी है क्योंकि हमारे जम्मू रीजन के ही यूथ और जम्मू रीजन की ही पूरी टीम ने हमारे भलेसा जो कि डोडा डिस्ट्रिक्ट में है उसकी खूबसूरती, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का कल्चर और उसके साथ जुड़ी जितनी भी टूरिस्ट प्रॉस्पेक्ट्स हैं उनको दर्शाया गया है इस गाने में। और मैं ये कहूँगी कि इस तरीके के जो गाने हैं वो हमारे जो लोकल टैलेंटेड यूथ है, जिस तरीके से इस टीम ने इतना खूबसूरत गाना जो है वो बनाया है, तो डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू जो है वो एक सीरीज शुरू कर रही है जिसमें कि जितने भी टैलेंटेड यूथ हैं और अच्छी क्वालिटी का जो एक वीडियो क्रिएट कर सकते हैं हमारी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस जितनी भी हैं जम्मू रीजन की उनकी खूबसूरती को दर्शाते हुए और उसके साथ साथ हमारा जो रिच कल्चर है उसको दर्शाते हुए, जैसे इसमें स्कूल जो बच्चियां मतलब गई हैं और वो स्कूल में बहुत खुश हैं और वो खेल रही हैं, गर्ल्स की भी मतलब डेवलपमेंट हो रही है, एक बहुत अच्छा मैसेज है। और उसके साथ साथ जो इकट्ठे बैठ के खाना खा रहे हैं पार्क में बैठ के, एक लोकल क्विजींस का जो है मज़ा लिया जा रहा है, एक भाईचारा जो दिखाया गया है वाटरफॉल के पास, वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा मैसेज है कि हम सबको मिलजुल कर रहना है और जो जम्मू टूरिज़्म का जो पोटेंशियल है उसको हमने सबने आगे बढ़ाना है और सबने एक दूसरे को हैंड होल्डिंग करके जो जो आइडियाज़ हैं, जो जो तरीके हैं, जिस तरीके से वर्ल्ड ओवर हमारा कल्चर जो फैल सके उस पे हमने चलना है। और ये एक शुरुआत हुई है और सबसे खुशी की बात ये है कि जहाँ पर हमने ये गाना रिलीज़ किया, ये ओपन एयर सिनेमा जो कि बागे बहू में ही है, और मैं ये कहूँगी कि डायरेक्टर ऑफ टूरिज्म जम्मू की ये पहल थी जो म्यूजिकल फाउंटेन की और ओपन एयर सिनेमा की जो बहुत खूबसूरती से चल रहा है, जिसको कि आउटसोर्स किया गया है। और आज जैसे यहाँ पे पहले भी दिन में भी कुछ शूटिंग्स हुई, अब यहाँ पे ये सॉन्ग जो है जो एक रीजन की ब्यूटी को दर्शा रहा है ये रिलीज़ हो रहा है, तो इसकी भी एक जो इम्पोर्टेंस है हमारे जम्मू टूरिज्म में वो भी हाईलाइट हो रही है। डिस्ट्रिक्ट जम्मू में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए विभाग क्या कर रहा है? डिस्ट्रिक्ट जम्मू की अगर बात करें तो कोशिश ये की जा रही है टूरिज़्म विभाग की तरफ से कि हम यहाँ पर एक वाटर पार्क जो है वो बनाएं, उसके साथ साथ एक हमारी प्रॉपर्टी आउटसोर्स हुई है जिसमें कि प्लेनेटेरियम बनने जा रहा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनने जा रही हैं जो कि टूरिस्ट का स्टे यहाँ पर बढ़ाएँ। आप जानते हैं कि सिद्धड़ा में, मजीन में तिरुपति बालाजी का जो मंदिर बना है उसके फुटफॉल को इंक्रीज़ करने के लिए भी हम लोग एफर्ट्स कर रहे हैं। JKRTC के साथ भी हमने एक टाई अप कर लिया है कि जो टूरिस्ट रघुनाथ मंदिर में आते हैं वहाँ पे उनको एक बस अवेलेबल की जाए, जो कि हमारी जैसे जम्बू जू है, हमारे ये तिरुपति बालाजी टेम्पल है, मोहमाया टेम्पल है, बहू फोर्ट का गंडोला है, यहाँ एक्वाप्लेक्स है और उसके साथ साथ और बहुत सारी सुचेतगढ़ जो एक बॉर्डर टूरिज़्म का प्रतीक है, इन सभी डेस्टिनेशंस को एक सर्किट के रूप में एक टूरिस्ट के आगे, चाहे वो नेशनल टूरिस्ट हो या इंटरनेशनल लेवल का टूरिस्ट हो, उनको हम उस तरीके से प्रोजेक्ट करेंगे कि यहाँ पर लोगों का जो स्टे है, जब माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने जाते हैं तो एक या दो दिन वो जम्मू में जरूर बिताएं। आज जो गाना आपने रिलीज किया यहाँ पे सलामे भलेसा, आपने देखा कितनी अच्छी ब्यूटीज हैं वहाँ? बिल्कुल। तो कितने एरियाज वहाँ के जो है टूरिज्म मैप पे आने वाले हैं? बिल्कुल। जैसे मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी कि हमने कुछ ट्रैक रूट्स आइडेंटिफाई किए हैं, तो जो 38 ट्रैक रूट्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं उसमें ये वाला ट्रैक रूट भी है, और इन्हीं ट्रैक रूट्स को जैसे हमने एक डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू की तरफ से एक टेंडर भी, जो इस टाइम भी लाइव है, हमने जितने भी हमारे एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स हैं उनको वेलकम किया है कि वो डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू के साथ इम्पैनल हो जाएं, और ये जो हमारे ट्रैकिंग रूट्स जिनकी मैं बात कर रही हूँ उन ट्रैकिंग रूट्स पे रेगुलर ट्रैकिंग होती रहे और बहुत सारी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ वो चलती रहें, उसके ऊपर हमारा काफ़ी फोकस है। उसी के साथ साथ ये बताऊंगी कि जैसे वाइब्रेंट भदरवा फेस्टिवल जो कि 27 तारीख से लेके 31 दिसंबर तक रहेगा, उसमें हमने मैक्सिमम टूरिस्ट डेस्टिनेशंस जो हैं वो अपनी वहाँ डोडा डिस्ट्रिक्ट की ही कवर की हैं। उसके साथ साथ पत्नी टॉप फेस्टिवल है जो कि इवनिंग में, जिसमें सेलिब्रिटी परफॉर्मेंसेज रहेंगी, तो ये सारा एक अमेलगमेट करने की जो ज़रूरत थी उसको हमने करने की कोशिश की है। जैसे कल हमारा क्रिसमस का जो इवेंट है वो यहाँ बहू प्लाजा में है, तो ये एक इन अ सीरीज सब कुछ चल रहा है जिसमें कि हमने
एक माला में सभी मन के पिरोने की कोशिश की है, चाहे वो एडवेंचर टूरिज्म की बात करें, चाहे पिलग्रिमेज टूरिज्म, चाहे रिक्रिएशनल टूरिज्म की बात करें, और बड़ी जल्दी आपको वेलनेस टूरिज्म के लिए भी जो पत्नी टॉप के पास मानतलाई है, जो कि इंटरनेशनल योगा सेंटर के रूप में जो है वो उभर के आने वाला है, तो ये सारे जो चीज़ें हैं जब एक सर्किट में पिरोई जाएंगी तो डेफिनेटली हमारा जो टूरिस्ट फुटफॉल जो इस टाइम भी बहुत बढ़ चुका है, जेएनके का इस टाइम टोटल टूरिस्ट फुटफॉल जो है वो 2 करोड़ से ज्यादा बढ़ गया है, तो उसमें दुगनी चुगनी जो है वो हमारा जम्मू प्रोविंस का जो अगर आप बात करें, जैसे माता जैसे माता वैष्णो देवी जी के जो हमारा आंकड़े आते हैं तो आपको पता ही है उसका एक मेजर नंबर जो है वो रहता है, तो 1,70,00,000 के करीब जो है वो हमारा यहाँ का फुटफॉल है, और कोशिश ये की जा रही है कि हम इस फुटफॉल को टैप करें, जो आसपास की अगर सियाड़ बाबा है या देवी पिंडियां हैं उनके ऊपर भी फोकस किया जा रहा है कि ये जो साथ वाली जितनी भी मैं कहूंगी डेस्टिनेशंस हैं, और जैसे बारादरी में राफ्टिंग करवाई जाती है तो जब भी ग्रुप्स आते हैं तो वो बारादरी जरूर जाते हैं, उसी तरीके से जिप लाइनिंग है, पैराग्लाइडिंग है जो धनवा मोखरी में कटरा के पास है वहाँ पे करवाई जाती है, और बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जो इस टाइम स्नो लेडन है, तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि स्नो बेस्ड एक्टिविटीज जो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ जो जम्मू रीजन में इतनी ज़्यादा बर्फ पड़ती है उसका आनंद भी ले सकें, और कहीं ना कहीं हम लोगों की जिम्मेदारी है सबकी कि हम जो लोकल्स को इन्वॉल्व करके इन एक्टिविटीज को बढ़ाएं, और उससे एक फायदा बहुत ज्यादा होने वाला है वो ये है कि जो हमारे यूथ हैं उनको इकोनॉमिकली एम्पावर करने का ये एक मौका है, और ज्यादा से ज्यादा यूथ को हमारे साथ जुड़ना चाहिए इन्हीं एक्टिविटीज के लिए ताकि एज एन इकोनॉमी ऑल्सो वी ग्रो बेटर।